सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुश मांडा IAS HCS Academy को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुश मांडा अकेडमी। और आज मैं आपसे बात करूंगा IAS इंटरव्यू के लिए कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड सिचुएशनल क्वेश्चंस पर। मोस्ट एक्सपेक्टेड सिचुएशन क्वेश्चन जो हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, एक दो तीन, एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, और हमारे मार्क्स पर जो है ना इसका बड़ा असर होता है। तो चलिए शुरू करता हूँ और आप कोशिश कीजिएगा कि आप इनका जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे देने की कोशिश करो, एक एक सिचुएशन को। काफ़ी सारे सिचुएशंस मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, अचानक आपसे वो इंटरव्यू बोर्ड में पूछते हैं और बेस्ट आंसर की आपकी उम्मीद करते हैं और इससे आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी का पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हाल ही में एक IAS अधिकारी नियुक्त हुए हैं और जैसे कि आप पढ़ पा रहे हो, आपको सूचना मिलती है कि LPG से लदा एक ट्रक हाईवे, नेशनल हाईवे में जो आपके जिले में से गुजरता है, पलट गया। एक छोटा सा गांव जिसकी आबादी 2000 है, घटना स्थल के नजदीक स्थित है, लोग खतरे में हो सकते हैं, आप क्या करेंगे? इंट्री बोर्ड का सवाल है आपसे और आपने इसका बहुत अच्छा जवाब देने की कोशिश करनी है। मैं इन सबके आंसर्स आपको बताऊंगा जो कि बेस्ट आंसर रहेंगे, लेकिन वो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसके आंसर्स दूंगा। पहले एक बार आप कमेंट बॉक्स में अपने दिमाग से जो है ना अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी थोड़ा सा बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि क्या जवाब हो सकता है। तो आप लिखकर जरूर जवाब दो, बाकी इनके आंसर्स तो मैं आपको बताऊंगा ही। बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, हालांकि इंट्री बोर्ड आपसे ऑप्शन नहीं देगा, आपको आपने खुद से जवाब देना है। जैसे कि आप अपनी जान बचाएंगे, ठीक है, या पास के पुलिस स्टेशन को सूचित करेंगे, अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करेंगे, ठीक है, या फिर पहले आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सर्विस स्टेशन से बात करेंगे तथा स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएंगे। तो बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं, तो आपने अपना थोड़ा सा जो है मतलब खुद से जवाब देने की कोशिश करनी है। बाकी हमारा एक प्रोग्राम भी चला हुआ जिसमें आप अपना जो बायोडाटा हमें अगर मेल करते हैं, DAF मीन्स का फॉर्म भी, तो हम आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रोबेबल क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं विद मॉडल आंसर्स, ठीक है, जो कि सिर्फ आपके बायोडाटा पर बेस होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी गैस किए जा सकते हैं, जैसे कि हम प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस को तैयार करके जाते हैं, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रहता है अगर हम उनके आंसर्स पहले से प्रिपेयर कर कर जाएं। चलिए आगे देखते हैं, पढ़िए आप एक बार। आप सिविल सेवा के एक परीक्षार्थी हैं और एक शहर में आप इस परीक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, जहां भी आपका रूम पार्टनर जो कि एक अलग धर्म का है वह भी पढ़ाई करता है। आपको एक दिन खबर मिलती है कि आपके पिताजी आपसे मिलने आ रहे हैं जो कि बहुत ही अधिक रूढ़िवादी हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ठीक है, तो थोड़ा सा अलग सा सवाल है, लेकिन आप IAS बनने जा रहे हो तो थोड़ा सा बोर्ड आपका जो है रुझान पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन है कि ठीक है, आपका रूममेट अलग धर्म का है लेकिन आपके पिताजी रूढ़िवादी हैं, ठीक है, और तो वो आपसे मिलने आने वाले हैं आपके हॉस्टल में, तो आप क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब दो। इसमें मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड आपको ऑप्शंस नहीं देगा। अगला सवाल देखते हैं। आपको किसी महत्वपूर्ण पर्व के मद्देनजर एक मंदिर के प्रांगण में भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गई। सपोज आप पुलिस में हो, SP हो और या DS जो है, IPS बने हो आप, ठीक है, और इत्तेफाक से आप वहां पर हो, सभी लोग पंक्तिबद्ध होकर मुख्य मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, हालांकि काम सिपाही से कराया जाता है, लेकिन हमने आपको सिचुएशन दी है, ठीक है, आप वहां पर मौजूद हो, तभी आपके कोई उच्च अधिकारी जो आपसे भी ऊपर है, परिवारजन, उसके परिवार के जो लोग हैं वो पूजा करने आते हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे? तो आप मेरी बात समझ गए होगे, आप एक अधिकारी हो, वहां पर आपसे भी जो है उच्च अधिकारी, तो जो आपसे ऊपर पोस्ट पर है वो उनकी फैमिली आ जाती है, तो आप क्या करोगे? तो मंदिर में उनको भी आप लाइन में लगने के लिए कहोगे पंक्ति में, कि आप पंक्ति में जाओ या अलग से एंट्री कराओगे? तो ये सिचुएशन वाला क्वेश्चन है, सिचुएशनल है, तो उसका जवाब क्या हो सकता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, मुझे इंतजार रहेगा। और अगला सवाल देखते हैं। देखो, जो आपका इंटरव्यू है फाइनल स्टेज पर है, कोई कमी ना रह जाए, एक एक मार्क्स से कई कई हजार बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो आप एक राजदूत के तौर पर चीन भ्रमण के लिए गए। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो
आईएफएस बनना चाहते हैं, तो वहां पहुंचकर आप देखते हैं कि वहां लोगों को हमारे देश के खिलाफ आक्रोशित किया जा रहा है और यह प्रचारित किया जा रहा है कि भारत चीन के लिए खतरा है। ठीक है, भारत चीन के लिए खतरा है और चीनी लोग आपसे बुरा बर्ताव भी करते हैं, आपका प्रतीकात्मक अपमान भी करते हैं, तो आप क्या करेंगे? देखो, इन सब के आंसर्स मैं आपको जरूर जरूर प्रोवाइड करूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक आपको दूंगा, लेकिन यहाँ मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। कोशिश कीजिए, ठीक है, हम भी जान पाए कि आप कितने अच्छे आईएएस साबित हो सकते हैं। और तो प्लीज आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, और इस बार आप आईएफएस हो। ठीक है, चाइना में आपको भेजा गया है और ये हालात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक शादी में गए और आपको पता चला जो वधू है उसकी उम्र 18 साल से कम है और जो वर है वो 30 इयर्स अबव है। ठीक है, तो दो चीजें हैं, एक तो जो शादी की एज 18 साल होती है उससे कम उम्र की वधू है, हो सकता है 15 साल एज हो और या 14 साल की एज हो सकती है, 16 हो सकती है, तो आपका जो है 18 इयर्स से कम है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, सिचुएशनल क्वेश्चन है, आपका जवाब क्या होगा? ईमानदारी से बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिए, इंटरव्यू बोर्ड आपसे ऐसा सवाल पूछेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। आप किसी जिले के जिला अधिकारी हैं, आपका क्षेत्र कोयला तथा लोहे की खानों के लिए विख्यात है, आपके यहाँ माइंस है, आपके जिले में अवैध उत्खनन का कार्य बहुत बड़े पैमाने पर होता है, ठीक है, इलीगल माइनिंग, और जिससे सरकार को बहुत घाटा हो रहा है, अवैध उत्खनन इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए आपके पास कौन से उपाय हैं? पीछे का आपने सुना ना, एक आईएएस ऑफिसर की न्यूज भी आपने देखी होगी, अखबारों में थी, ठीक है, और उनकी जान भी चली गई थी। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करोगे इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए? बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, और उसका जवाब क्या हो सकता है वो आपको मैं लिंक के जरिए प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आप मैं आपको मुझे आपके इसका इंतजार रहेगा कमेंट पर, कमेंट बॉक्स में। चलिए, आप विदेश विभाग में उच्च अधिकारी हैं, एक बार फिर से आप आईएफएस हैं और आपको सूचना मिलती है कि लीबिया में गृह युद्ध प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, आप आईएफएस हो और जो है लीबिया में आप अपॉइंट हो, वहां पर आपका सिविल वॉर शुरू हो चुका है, जहां भारतीय मूल के नागरिक तथा भारतीय श्रमिक फंसे हुए हैं। आप क्या करना चाहेंगे यदि अभी तक मंत्रालय की तरफ से कोई सकारात्मक कार्रवाई करने का आदेश ना आया हो? देखो, बोर्ड आपसे बहुत अच्छे आंसर की जो है उम्मीद करता है, तो आपने इनके आंसर्स बताने होंगे, हम भी उम्मीद करते हैं। अभी मैं आपको आंसर्स नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपके आंसर्स दूंगा जरूर। चलिए, एक और सवाल, आप किसी जिले में पुलिस आयुक्त हैं, खास तौर से हरियाणा की मैं बात करूं, ठीक है, हरियाणा की बात है, आप आईपीएस हो हरियाणा में, आपके यहाँ ऑनर किलिंग बहुत ही प्रचलित है, जैसे कि आपको पता है अखबारों में न्यूज में चीजें रहती हैं, इस तरह के मामले रोज ही सुनने को मिलते हैं, आप ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्या करेंगे? जो हरियाणा से स्टूडेंट है जिनका इंटरव्यू कॉल आया है हरियाणा से, तो उनसे ही सवाल पूछा जाता है, क्योंकि जो हम एससीएस का इंटरव्यू करवाते हैं उसमें भी हम ऑनर किलिंग पर सवाल कई बार पूछ लेते हैं, तो मिल सकता है, तो ऑनर किलिंग को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए आपके पास क्या जवाब है? जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, मैं चाहता है यहाँ पर इनके जवाब बता भी सकता था, लेकिन मेरे जवाबों को आप ना रटो, ठीक है, अपना दिमाग आपने अप्लाई करना है। ठीक है, जिस जितने बड़े पद पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, भगवान करे आप सभी सेलेक्ट हो जाओ, मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आप एक शहर के पुलिस आयुक्त हैं, आपके शहर में बम विस्फोट हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, जिससे कई लोग हताहत हुए। देखो, जितनी भी सिचुएशंस हैं इन सब का सामना आपने करना पड़ेगा, ठीक है, आप पढ़ते भी हो। आपको निरीक्षण के दौरान ज्ञात होता है इसमें कुख्यात आतंकवादी गिरोह के सदस्यों का हाथ है, और इसके सदस्यों में एक विश्वविद्यालय के कुछ छात्र भी हैं। सिचुएशन समझना, बम ब्लास्ट हुआ है, टेररिस्ट तो हैं लेकिन कोई यूनिवर्सिटी है, उसके कुछ छात्र स्टूडेंट भी हैं, आप क्या कार्यवाही करेंगे? बताइए क्या जवाब होगा, जरूर जवाब देना, ठीक है ना, और मैं तो आपको जवाब बता ही दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पोस्ट करके आराम से तसल्ली से जवाब दीजिए। एक और सवाल,
आपके क्षेत्र के नेताजी की पुत्री ने अपनी मर्जी से विजातीय युवक से विवाह किया है, इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है। नेताजी आप पर दबाव बना रहे हैं कि आप उस युवक तथा उसके परिवार वालों पर नाबालिग लड़की के अपहरण तथा जबरदस्ती का केस दर्ज कर कार्यवाही करें, जबकि आपको पता है कि उनकी लड़की बालिग है। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आप क्या करेंगे? ठीक है, तो ये सवाल है और ये सिचुएशन है, सिचुएशनल इंटरव्यू वाले क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आपका यूपीएससी का इंटरव्यू होने वाले हैं और हमने भी अपने मॉक इंटरव्यूज के प्रोग्राम चला रखे हैं। उसके अलावा हम जो स्टूडेंट हमारे पास मॉक के लिए नहीं आ पाएंगे उनको हम उनके DAF पर बेस जो है कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रेम करके प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमारा एक तरीके से ये प्रोग्राम भी चला हुआ है। उसकी डिटेल आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके करके या हमारी मेल आईडी है kushmandaeducation@gmail.com जिसकी डिटेल हमने दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जो है हम आपके लिए आंसर जरूर क्वेश्चन और उनके आंसर जरूर फ्रेम करके देंगे। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसका जवाब मुझे इंतजार रहेगा। और आप एक जिले में उप जिला अधिकारी या जिला अधिकारी हैं, दोनों जब सब कंडीशन यहाँ हम रख देते हैं, तो कुछ लड़के आपके पास एक लेखपाल, लेखपाल होता है पटवारी, ठीक है, ये शिकायत लेकर आते हैं और कि वह आय, इनकम, कास्ट सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट के सत्यापन के बदले में रिश्वत मांगता है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? ठीक है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो जनरली देखा जाता है ना, कई बार पटवारी वगैरह रिश्वत मांग लेते हैं आपके इनकम हो या कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में या डोमिसाइल बनाने में, अगर आप नहीं देते हो तो वो लटकाए रखते हैं बात को, ठीक है, ऐसा देखा जाता है अक्सर। तो आपके पास क्या उपाय है इस सिचुएशन के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, इंतजार रहेगा। उसके अलावा अपना बायोडाटा आप मेल जरूर करो अगर ज्यादा फायदा लेना चाहते हो तो, ठीक है, हम इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी गेस कर देते हैं। चलिए, एक जिलाधिकारी के रूप में आप अपने जिले में व्यापक रूप से फैली हुई बेरोजगारी की समस्या के वैकल्पिक प्रयासों द्वारा सुलझाना चाहते हैं, इस प्रयास हेतु आपके पास क्या उपाय है, क्या विकल्प है, क्या ऑप्शन है बेरोजगारी की समस्या को हटाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो एक जिला अधिकारी के रूप में, बात ध्यान रखना, एक DC के रूप में आपके पास क्या है, तो यहाँ पर क्या आप IAS ऑफिसर हो, तो आपके पास क्या उपाय है। चलिए, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, IPS हैं, आपको समाचार मिलता है आज मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला है तथा यह जुलूस किसी बहुसंख्यक धर्म की अधिकता वाले क्षेत्र से निकलेगा, ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल में सिचुएशन कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं, सांप्रदायिक तनाव होने की आशंका है और आप इस घटना को ना होने देने के लिए किस बात को प्राथमिकता देंगे, क्या करेंगे? देखो, तो आप क्या है, आप IPS हो, तो कोशिश यह है कि लोग अपना मुहर्रम भी का जुलूस भी निकालें क्योंकि ये तो उनका हक है, और उसके अलावा जो मेजोरिटी में भी जो है वहां पर उनकी भावनाएं ना भड़के, ठीक है। तो ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा, क्या आप डिसाइड करोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा प्लीज, ठीक है। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कुछ अराजक तत्व एक लड़की के साथ बदतमीजी करते हैं, आपको पता है कि उनसे उलझना खुद के लिए खतरा मोल लेना है, ऐसे में आप क्या करेंगे? एक बार आप देखते ना, बस में जाते हो आप, ट्रेन में जाते हो, कुछ अराजक तत्व होते हैं, छेड़खानी करते हैं, ज्यादातर लोग मुंह फेर लेते हैं, ठीक है ना, कि क्यों पड़े किसी के झगड़े में, तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सिचुएशनल क्वेश्चन है IAS के इंटरव्यू के लिए। आप जिलाधिकारी पद पर कार्यरत हैं, आपको ग्रामीणों द्वारा एक ज्ञापन सौंपा जाता है, उन्हें कृषि कार्य करने के लिए खाद और ऋण की आवश्यकता है, लेकिन सहकारी कोऑपरेटिव कमेटी, सहकारी समिति ने ऋण और खाद देने से मना कर दिया, ठीक है, आप क्या कदम उठाएंगे? IAS के लिए सिचुएशनल क्वेश्चन जवाब सबके दिए जाएंगे और मैं प्रोवाइड करूंगा उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन आप भी जवाब देते रहो। चलिए, आप अपने जनपद के एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर दर्शन हेतु जाते हैं जहां भक्त लोग श्रद्धा वश प्रसाद तथा दक्षिणा का चढ़ावा भगवान को समर्पित करते हैं। उस मंदिर के कुछ पुजारी उस चढ़ावे तथा प्रसाद का गलत ढंग से उपयोग करते हैं, चढ़ाए में आए हुए सोने चांदी को चुरा लेते हैं,
तथा प्रसाद को दुकानदारों को पुनः बेचकर रुपया ले लेते हैं। आपको इस बात की जानकारी मिलती है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, बताइए जवाब। अगला देखते हैं, आप जिलाधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं। आप देखते हैं कि आपके जिले का कुछ हिस्सा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के प्रभाव में आ जाता है, ठीक है, और फलतः जन धन की व्यापक हानि होती है। आप क्या करना चाहेंगे जिससे कि उस क्षेत्र में बाढ़ का प्रभाव कम किया जा सके, यदि आपके पास सीमित संसाधन तथा बजट हो? ठीक है, तो एक और सवाल है, सिचुएशनल इंटरव्यू ये क्वेश्चन है। जिलाधिकारी के रूप में बाढ़ की समस्या आपके जिले में, तो आप क्या करोगे? एक और देखते हैं, आप हरिद्वार के कलेक्टर हैं, माघ का मेले की तैयारी के लिए शासन द्वारा 300 करोड़ रुपए पास किए गए और प्रदेश के उच्च अधिकारियों द्वारा दबाव डाला जा रहा है कि संपूर्ण कार्य कराते हुए उन अधिकार तक उनके कमीशन को सुरक्षित पहुंचाया जाए, ऐसे में आपका क्या कर्तव्य है? एक और सिचुएशन क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए, चलिए, आप आपदा प्राधिकरण में एक उच्च अधिकारी हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं, आपको भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए शहरी क्षेत्रों में भूकंप रोधी मानकों पर भवनों के निर्माण जो बिल्डिंग्स हैं के लिए योजना को लागू करना है। इस हेतु लोगों को ऋण की व्यवस्था करानी होगी जिससे कि भवन मालिक मानकों का प्रयोग कर सकें, लेकिन इस तरह की योजनाओं को लागू करने में अत्यधिक समय लगेगा। आप क्या करेंगे कि इस योजना को कारगर तरीके से लागू किया जा सके जिससे कि भूकंप जैसी विनाशकारी आपदा का प्रभाव कम किया जा सके? तो बताइए क्या इसका जवाब हो सकता है। और अच्छा सवाल है, सिचुएशन क्वेश्चन है। एक और सवाल देखते हैं कि आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, आईपीएस मान सकते हो, ठीक है, जो कि किसी आतंकी वारदात के बाद घटना स्थल की जांच करा रहे हैं। स्थल पर देखो जवाब जरूर मिलेंगे, पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा सब्र रखिए, और प्रतिनिधि लगातार आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं। इस समय आपको बात करने से मना कर रहे हैं, ठीक है, मीडिया वालों ने घेर रखा है, आप बात करना नहीं चाहते, आतंकी घटना की वारदात हुई है। आपके कई बार मना करने के बाद भी आपके कार्य में व्यवधान पड़ रहा है, आप क्या करेंगे? मीडिया को लेकर है ये सवाल, ठीक है, आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या कहेंगे आप उनसे? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके शहर में हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया सपोज, जिसका कारण एक मंदिर व मस्जिद की दीवारों का परस्पर सटा होना है। अक्सर कुछ सांप्रदायिक लोग, ठीक है, इन दीवारों पर सांप्रदायिक बातें लिखते हैं, जो ये वो लोग होते हैं जो आपस में जो एक प्रेम व्यवहार होता है उसको खराब खत्म करने की कोशिश करते हैं, शरारती तत्व आप कह सकते हो, जिससे दंगा भड़क उठता है। यदि आपको इस समस्या के समाधान हेतु कहा जाए तो आप क्या करोगे, बताइए? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना, ये आपके इंटरव्यू के सवाल हैं। 2 से 3 सवाल सिचुएशनल होते हैं, सबसे पूछे जाते हैं, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप सिंपल बीए करके आए हो, बीकॉम आपने किया है या बीएससी किया है। बादल फटने से आपके शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त है, दुर्घटना में अनेक लोग हताहत हुए हैं तथा अनेक गंभीर रूप से घायल हैं, मकान ध्वस्त हो गए हैं तथा संचार और परिवहन व्यवस्था भी अव्यवस्थित है। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इस स्थिति में क्या करेंगे? ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी मतलब आईएएस। तो अभी तक जो आपने प्रीलिम्स और मेंस निकाला है वो तो आपने सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और ये साइंस और करंट अफेयर्स पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन काम तो आपने ये करना है, इसलिए इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। एक आवासीय क्षेत्र में हवाई दुर्घटना हुई है, ठीक है, आप ऐसे जिले में हो जहाँ पर जो है हवाई दुर्घटना हुई है, और आपके मतानुसार राहत कार्य में लगे कर्मियों को सर्वप्रथम किस बिंदु पर ध्यान देना चाहिए, क्या होना चाहिए अगर आपके इलाके में हवाई दुर्घटना हो जाए? आप एक आदिवासी बहुल जिले के कलेक्टर हैं, ऐसी जगह पर आप कलेक्टर हैं जहाँ पर आदिवासी रहते हैं, आदिवासी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, इस हेतु आपने गांवों का भ्रमण करने के लिए कहते हैं उन्हें, और अब आप क्या करेंगे जबकि आप जानते हैं कि वह क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है? ठीक है, तो ये जो सवाल है आपका, वो नक्सल इलाके में आप कलेक्टर हो और जो वहाँ के आदिवासी हैं उनकी कुछ समस्याएं हैं, तो उनकी समस्याओं का हल आप किस तरीके से करना चाहोगे? तो ये इसका जवाब आपने इंटरव्यू बोर्ड के सामने देना होगा।
चलिए, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपकी पोस्टिंग एक नक्सल इलाके में एक और आपका नक्सलवादी क्षेत्र के लिए कर दी गई है। आपके इकलौते बेटे का अपहरण कुछ नक्सलियों ने कर लिया तथा फिरौती मांग रहे हैं, नहीं देने पर उस लड़के को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सिचुएशन क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, पुलिस अधिकारी हैं, आप देखते हैं कि सरकार की नीतियों से असंतुष्ट नागरिक आए दिन दिल्ली आकर भारी संख्या में प्रदर्शन करते हैं। जैसे आपने देखा जंतर मंतर पहुंचते हैं और दूसरी जगहों पर भी धरने होते हैं, इंडिया गेट पर धरना होता है, तो फलतः सड़कों पर अनियंत्रित ट्रैफिक के कारण अत्यधिक जाम लग जाता है। ठीक है, हजारों लोग आते हैं जगह अलग अलग स्टेट से, हरियाणा और आपका यूपी राजस्थान से, जिसके कारण आम नागरिकों को कई प्रकार की व्यावहारिक समस्याएं होती हैं। आप इस संदर्भ में क्या करना चाहेंगे? देखो जवाब जरूर देना, ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है। और जवाब के अलावा जो है ना, जो आपका मेंस का फॉर्म है, DAF या आपका बायोडाटा है, आप हमसे सवाल जरूर फ्रेम कराएं, हम आपकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, और आपने मदद एक क्वेश्चन एक मार्क्स की भी अगर मैंने आपकी मदद की, ठीक है, तो आपके योगदान में, आपकी कामयाबी में, आपकी रैंक में बहुत इजाफा होगा। ठीक है, तो कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि दोबारा प्रीलिम्स देना और उसके बाद फिर मेंस देना बहुत पीड़ा का काम होता है। ठीक है, तो आप जो है जरूर हेल्प लीजिए। चलिए, आप किसी क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपके क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप बहुत ज्यादा है, जिससे मलेरिया और फाइलेरिया जैसी बीमारियों का प्रसार बढ़ता ही जा रहा है। अपने क्षेत्र में मच्छरों के प्रकोप की रोकथाम के लिए आप क्या विकल्प चुनेंगे? ठीक है, तो ये जवाब है आपका, आइए से आप और अपने यहाँ से आप मच्छर भगाना चाहते हो। आपने नाम सुना है अलीगढ़, बड़े मच्छर होते हैं वहाँ, ठीक है ना, और भी कई शहर हैं जो मच्छरों के लिए जाने जाते हैं। तो अगर आप वहाँ DC बनकर गए हो और मच्छर ऐसे होते हैं कि आप 10 मिनट बाहर खड़े हो जाओ, ठीक है ना, कई हजार मच्छर घेर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीडिया से जुड़ा एक व्यक्ति जिला अधिकारी को बताता है कि उसके जिले में पुलिस ने भूमाफियाओं के साथ गठजोड़ बनाया हुआ है, जिस कारण भूमाफिया उच्च वर्गीय क्षेत्रों में जबरन जमीन पर कब्जा करने में लगे हैं। जिला अधिकारी को चाहिए कि वह क्या करे। ठीक है, तो ये भूमाफियाओं की सिचुएशन है, इंटरव्यू से जुड़ा हुआ सवाल है। ठीक है, आपके पास क्या जवाब होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का तो टेस्ट हो चुका है आपका, अब जो आपकी स्किल्स हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज हैं, उसका टेस्ट होना है। ठीक है, तो आप जिले में वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपके जिले में सुबह 2 रेलगाड़ियों की आपस में टक्कर के कारण अनेक लोग हताहत होने की खबर है, इस भयावह दुर्घटना के समय आप क्या करेंगे? ठीक है, 2 रेलगाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है, जनरली न्यूज में आप देखते हैं, कई बार रेलगाड़ी पटरी से उतर जाती है, कई बार आमने सामने की भिड़ंत हो जाती है, और ये जो घटना है आपके जिले में हुई है। ठीक है, आप एक जिले के जिलाधीश हैं, आपको जानकारी प्राप्त होती है कि एक धार्मिक आयोजन में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न होने से कुछ श्रद्धालुओं को गंभीर शारीरिक चोटें आई हैं। सबसे पहले DC को ही खबर किया जाता है, कुछ भी होता है। ठीक है, तो आपकी प्राथमिक प्रतिक्रिया क्या होगी? कमेंट बॉक्स में सारे सवालों का जवाब देना, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना, इनके इसका लिंक आपके लिए छोड़ दूंगा, इनके जवाबों के लिए, फिर उसको आप मेज कर सकते हो कि आपने क्या जवाब दिया है। इसके अलावा हमारे मॉक इंटरव्यूज के प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसकी डिटेल आप हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर आप देख सकते हो, और बाकी हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इस पर भी कॉल कर लीजिए। और बाकी ये बात आप जरूर याद रखना, ठीक है, कि हम आपके लिए कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस विद मॉडल आंसर्स, ठीक है, प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जो आपके इंटरव्यू के लिए है, तो आप हमें मेल कर सकते हो, ठीक है, मेल आईडी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बाकी हमारी वेबसाइट पर हमारी मेल आईडी भी दी हुई है, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स भी हमने दिए रखे हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है ना, ये हमारा जो 86 वाला नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप हमें वो अपना फॉर्म की डिटेल भेज सकते हो या बायोडाटा। चलिए, फिर भी लूंगा कुछ और नए क्वेश्चंस के लिए, कुछ और सवाल आपके इंटरव्यू के लिए,
तो मेरी शुभकामनाएं आपसे दिल से कि ये भगवान आप सबका सिलेक्शन कराए, सबको IAS IPS या जो भी उन्होंने अपने उसमें फॉर्म में फिल किया है, IFS बनना चाहते हैं, ठीक है, तो जरूर बनाए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।